हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम लोग इस ड्राइंग को आगे करने वाले हैं और देखते हैं आज कितना कंप्लीट होता है। बाकी पूरी तो नहीं होगी मुझे लगता है, तो चलो अपना स्टार्ट करते हैं। जो भी है, पहले हम नीडबल इरेजर का यूज़ करके पूरी को थोड़ा सा रब कर लेंगे, और ज़्यादा रब नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे, सिर्फ हल्का हल्का ऊपर ऊपर से, वरना फिर हमें यही पता नहीं रहेगा कि कहाँ पर क्या चीज़ थी। ओके गाइस, तो आपको अभी दिख रहा होगा कि मैंने ये पूरा रब नहीं किया है, मैंने थोड़ा थोड़ा इसको विजिबल रखा है ताकि हमें पता रहे कि कहाँ कहाँ पे हमें कौन सा कलर करना है और थोड़ी थोड़ी आउटलाइन हमें विजिबल रहे। तो चलो अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं, कैसे कैसे मैं करूँगा कलर वो आप देख लेना। और ऑयल पेस्टल में हम इसको बनाने वाले हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसमें कैमल के ऑयल पेस्टल्स का यूज़ करने वाला हूँ, 50 शेड्स हैं इसके अंदर, और जो जो हमें चाहिएगी वो सारे कलर हैं इसमें। तो सबसे पहले मैं डार्क वैल्यू को दे रहा हूँ, आप लाइट से भी स्टार्ट कर सकते हो, बाकी मुझे जैसा सही लगता है कि डार्क से सही रहता है मेरे लिए, तो मैं डार्क से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जहाँ जहाँ डार्क है वहाँ पे मैं ब्राउन कलर का यूज़ कर रहा हूँ, और फिर बाद में जैसा जैसा है लाइट की तरफ चलते जाएंगे। जहाँ पे डार्क है वहाँ पे हल्का सा प्रेशर, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का सा प्रेशर हमें लगाना है, और जहाँ पे लाइट है वहाँ पे एकदम लाइट प्रेशर से हमें शेड करना है, जैसे हम पेंसिल से शेड करते हैं वैसे ही नॉर्मली। अब जैसे चेहरे का साइड वाला पार्ट है, ये वाला, यहाँ पे थोड़ा सा डार्क कलर है तो यहाँ पे हल्का सा प्रेशर लगाएंगे, और जो बीच का पार्ट है यहाँ पे हम बिल्कुल लाइट रखेंगे। तो जहाँ जहाँ पे हमारा डार्क पार्ट है उस पर थोड़ा सा प्रेशर लगाएंगे हम, और ऐसे ही इस ड्राइंग को करेंगे। फिर उसके बाद जो लाइट कलर का यूज़ करके इसमें शेड देंगे अच्छे से, ताकि फिर अच्छे से चेहरे में फिनिशिंग आ जाए। तो चलो जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे आप कर लेना। ब्राउन पार्ट हमारा पूरा हो चुका है, जो डार्क शेड जहाँ पे देना था, अभी जो है लाइट कलर का यूज़ करके इसको अच्छे से मर्ज कर लेंगे। अभी मैं हल्का सा आउटलाइन दे रहा हूँ क्योंकि आईज जो है वो विजिबल हो नहीं रही है। ओके, तो जैसे मैंने यहाँ पे आगे से शार्प कर रखा है ऐसा आप शार्प कर लेना, और अभी हम आईज में कलर करने वाले हैं। अभी हम लाइट एरियाज़ को ऐसे थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का स्क्रैच करेंगे, इससे हमारी स्किन पे जो है टेक्सचर भी आएगा, और जो हमारी ड्राइंग है उसमें जो लाइट एरियाज़ है वो भी हमारे डिफाइन हो जाएंगे। आईब्रो में थोड़ा सा, आईब्रो के हिसाब से, आईब्रो के ही फ्लो में ऐसे थोड़ा थोड़ा कलर को हम यहाँ से हटाएंगे, ताकि हमारे जो ऐसा लगे कि ये हेयर्स हैं। अभी जो है स्किन में जहाँ जहाँ पे हमारा रेड कलर से थोड़ा थोड़ा टेक्सचर है वहाँ पे हम हल्का हल्का रेड कलर करेंगे, ताकि जो स्किन है हमारी सेम ऐसा कलर आ सके। और चलिए अभी ट्राई करते हैं, वैसे मैं ये चीज़ फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ और आपको बता भी रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से चेहरा तो अभी ठीक हो गया है, आपको कैसा लग रहा है कमेंट में बताना। तो अभी चलते हैं बियर्ड्स और हेयर की तरफ। सबसे पहले ब्राउन कलर से बेस लेयर ऐड करेंगे, और फिर उसके बाद फिर करेंगे हम ब्लैक कलर से ऊपर से, और फिर उसके बाद थोड़ा सा स्क्रब कर देंगे, तो उससे लगेगा कि जैसे हेयर्स ही हैं।
जहाँ जहाँ पे हाइलाइट्स हमारे बियर्ड्स में वो हाइलाइट्स देंगे। ये देखो गाइस, तो अभी तक फ्लैशलाइट ऑन थी फ़ोन की, और अभी जो इसका रियल लुक दिखाया गजब है।